नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रेग्नेंसी के सातवें आठवें और नौवें महीने में आप किस तरीके से बादाम खा सकती हैं क्योंकि मेरे पास कई बार कमेंट आ चुका है कि मैम आपने कहा है कि प्रेगनेंसी के नौवे महीने में आप गर्म चीजें खाइए तो क्या हमें बादाम को पानी में भिगो के खाना चाहिए या फिर हमें बादाम को वैसे ही खाना चाहिए तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों यह बात तो आपको पता ही होगा कि बादाम में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसमें कि आयरन फोलेट कैल्शियम और फाइबर शामिल हैं ये सभी पोषक तत्व गर्भवती महिला के साथ साथ भ्रूण को भी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का काम करते है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप प्रेगनेंसी के दौरान कितनी मात्रा में बादाम खा सकते हैं तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान आपको रोजाना चार से छह बादाम खाना चाहिए और यदि आपकी प्रेगनेंसी का नवा महीना है तो आप आठ बादाम भी खा सकती हैं यदि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तो आप रोजाना चार से छह बादाम खा सकती हैं और प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में आप आठ बादाम तक खा सकती हैं अब सवाल आता है कि तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको बादाम कैसा खाना चाहिए भिगा हुआ खाना चाहिए या फिर आपको वैसे ही खाना चाहिए दोस्तों वैसे बादाम काफ़ी गर्म होता है और यदि आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में वैसे ही बादाम खाएँगे तो फिर आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है इसलिए आप बादाम को भिगो कर ही खाइए अब बात आती है प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में बादाम को कैसे खाना चाहिए तो आपको इस समय भी बादाम को भिगो ही खाना चाहिए क्योंकि भीगा हुआ बादाम ज़्यादा फायदेमंद होता है क्यों होता है चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों यदि आप भीगा हुआ बादाम खाती हैं तो इससे क्या होता है कि बादाम में मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाती है दोस्तों बीज नट्स अनाज और फलियों में फाइटिक एसिड पाया जाता है माना जाता है कि यह शरीर में जाकर पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित कर सकता है यानी कि आपके शरीर में जो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता होती है उसको कम कर देता है मतलब ये है कि अधिक फाइटिक एसिड पोषक तत्वों की कमी का कारण बन सकता है और बादाम को रात भर भिगो कर रखने से क्या होता है कि बादाम में फाइटिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है जिससे कि आपको फाइटिक एसिड के नुकसान नहीं होते हैं तो पहला कारण ये है और दूसरा कारण ये है कि भीगा हुआ बादाम पचाने में बहुत ही आसान होता है क्योंकि कच्चे बादाम काफ़ी सख्त होते हैं और जिन्हें पचाना मुश्किल हो सकता है अगर आप बादाम को भिगो कर खाएँगे तो बादाम मुलायम हो जाएंगे और इन्हें चबाने में और पचाने में भी आसानी होगी तो आप समझ ही गए होंगे कि भीगे बादाम खाना क्यों ज़्यादा फायदेमंद है लेकिन दोस्तों यदि आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट का महीना चल रहा है और सर्दी का मौसम भी है तो मैं आपको ये सलाह दे सकती हूँ यदि आप आठ बादाम खाती हैं तो आप चार बादाम भिगो खाइए दो बादाम आप दोपहर में खा लीजिए दो बादाम आप रात में खा लीजिए तो आप इस तरीके से बादाम खा सकती हैं और इससे आपको गर्मी भी मिलेगी और आपको बादाम का फ़ायदा भी मिल जाएगा और प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में आपको गर्म चीजें खानी चाहिए तो आप इस तरीके से बिना भीगे और भीगे दोनों बादाम खाएंगी तो आपको बादाम का पूरा फायदा भी मिलेगा और आपके शरीर को गर्माहट भी मिलेगी तो आप इस तरीके से बादाम खा सकती हैं अब जान लेते हैं कि बादाम खाने से आपको क्या क्या फायदे मिल जाते हैं तो यदि आप भीगे हुए बादाम खाएंगी या फिर आप वैसे ही बादाम खाएंगी तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि इससे आपको फोलिक एसिड मिल जाएगा बादाम में फोलिक एसिड पाया जाता है फोलेट बेबी में होने वाले न्यूरल ट्यूब दोज के जोखिम को कम करने में मदद करता है इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान फोलेट की पूर्ति के लिए आप बादाम का सेवन कर सकती हैं इसके अलावा दूसरा है आयरन दोस्तों गर्भवती महिला को हर दिन 27 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है बादाम आयरन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है इसके सेवन से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाए रखने में मदद मिलती है दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए बादाम में आयरन आपको मिलता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ने जो आपको आयरन के सप्लीमेंट दिए हैं आप वो लेना बंद कर देंगी और बादाम खाना शुरू कर देंगी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको सप्लीमेंट तो लेना ही है साथ ही साथ बादाम भी खाइए इसके अलावा आपको तीसरा फायदा मिल जाता है कैल्शियम प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम आपके बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी है आपके बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाता है तो इसीलिए आप बादाम का सेवन कर सकती हैं इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपको भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और यदि आप बादाम खाती हैं तो इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं इसके अलावा दोस्तों बादाम खाने से आपको कब्ज़ और एपज जैसी समस्याएँ नहीं होती हैं क्योंकि बादाम में फाइबर होता है जो कि आप के कब्ज की और एपच की समस्याओं को दूर करता है तो यदि आप चाहती हैं कि आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करे, तो आप इस वजह से बादाम खा सकती हैं। तो ये बादाम के फायदे हो गए हैं अब नुकसान जान लेते हैं दोस्तों यदि आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान चार से छह बादाम खाती हैं, तो ये नॉर्मल है लेकिन यदि आप इससे ज्यादा बादाम खाते हो तो इससे आपको नुकसान हो सकता है जैसे कि आपका वजन बढ़ सकता है क्योंकि बादाम में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें फैट भी ज्यादा होता है तो यदि आप ज्यादा बादाम खाएंगी तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसके अलावा बादाम में मैगनीज होता है जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकता है और समय से पहले प्रसव का कारण बन सकता है वैसे तो मैगनीज बहुत ही जरूरी खनिज है लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है इसलिए ज्यादा बादाम मत खाइए और यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए इसके अलावा पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है आपको मैंने बताया कि बादाम में फाइबर होता है जो कि आपके लिए फायदेमंद होता है लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा बादाम खा लेंगी, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फाइबर मिल जाएगा और ज्यादा फाइबर लेने से पेट फूलने कब्ज और पेट में ऐठन की समस्या हो सकती है इसके अलावा एलर्जी की समस्या हो सकती है दोस्तों बादाम का अधिक सेवन इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकता है जिससे एलर्जी हो सकती है लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा बादाम खाएंगे इसके अलावा विटामिन ई e का प्रभाव पड़ेगा जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि बादाम में विटामिन ई e पाया जाता है और विटामिन ई e का ज्यादा सेवन जन्म विकार का जोखिम बढ़ा सकता है यानी कि आपके बच्चे को जन्म से संबंधित कोई दोष हो सकती है इसलिए आप लिमिट मात्रा में ही बादाम खाइए बाकी दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखिए कि आप एक्सपायरी डेट का बादाम मत खरीदिए अगर आपका बादाम एक्सपायरी डेट का हो चुका है तो उसको मत खाइए और बादाम खा के चेक कर लीजिए कड़वा है तो उसको मत खाइए नॉर्मल बादाम ही खाइए इसके अलावा आप बादाम को जब भी खाते हैं तो उसको धोकर खाइए ताकि उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो सके इसके अलावा आप बादाम को भिगो कर रख देती हैं और जब उसको छीलती हैं तो ऊपर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है छिलके के साथ उतर जाता है तो आपको बादाम से नुकसान नहीं होता इसके अलावा दोस्तों जो बादाम खुले में मिलता है बाहर मार्केट में मिल जाता है तो आपको ऐसा बादाम भी नहीं लेना है आपको अच्छी तरीके से पैक किया हुआ बादाम ही लेना होगा अब आप सोचेंगे कि क्या बादाम का छिलका नुकसानदायक होता है तो दोस्तों बादाम का छिलका बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है बल्कि यह फायदेमंद ही होता है क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है जो कि आपके लिए फायदेमंद होता है तो आप छिलके के साथ भी खा सकती हैं बिना छिलके के भी खा सकती हैं जैसा आपको अच्छा लगे वैसे खाइए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप डेली कितना बादाम खाते हैं और आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है और आप किस तरीके से खाते हो तो बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू सो मच नमस्ते